हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं iTechCloud। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको X3 प्रो फोन की। ये फोन इंडियन और ग्लोबली मार्केट में लॉन्च हो चुका है। अब आपको पाकिस्तान की मार्केट में जो 40,000 की प्राइस कैटेगरी होगी, उस प्राइस कैटेगरी में आपको बहुत ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आप इस फोन की प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस बहुत ही एग्रेसिव रखी जाएगी पाकिस्तान की मार्केट में। अगर हम इसका कंपेयर पोको X3 से करते हैं तो इस बार इस पे कुछ डाउनग्रेड भी हैं, लेकिन इस पे आपको मेजर इम्प्रूवमेंट भी दिए गए हैं। आपको पता होगा कि पोको X3 ने पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ही अच्छी मार्केट कैप्चर की थी, क्योंकि उस पे आपको कम प्राइस कैटेगरी में अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए थे। ये भी फोन सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, क्योंकि इस पे आपको 20 लेवल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसकी लॉन्चिंग डेट और प्राइस की बात करते हैं तो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइस और कन्फर्म लॉन्च डेट कब होने वाली है पाकिस्तान की मार्केट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हम इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करते हैं। तो डिजाइन की बात की जाए तो इसकी डिजाइन आपको पोको X3 की जैसे ही देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके बिल्ड की बात करते हैं तो बिल्ड इस बार इसकी बहुत ही अच्छी रखी गई, क्योंकि इसका बैक और फ्रंट जो होगा दोनों ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ दिया गया है इस बार पोको X3 में। अगर हम इसके बैक के डिजाइन की बात करते हैं तो बैक पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। बैक क्या जो कैमरा का डिजाइन है वो आपको जैसे पोको X3 में देखने को मिला था, यहाँ पे भी आपको वैसे ही प्रोवाइड किया गया है जैसे आपको X3 में प्रोवाइड किया गया था। फ्रंट पे आपको एक पंच होल कैमरा प्रोवाइड किया गया है पोको की तरफ से। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले फुल HD प्लस का डिस्प्ले होने वाला है। डिस्प्ले पे यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। अब आप कहेंगे यार 40,000 प्राइस कैटेगरी में IPS, तो IPS कोई मुझे IPS से मसला नहीं, लेकिन आपको जो इस डिस्प्ले पे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं वो बहुत ही बेस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक 120Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है और 120Hz के साथ HDR10 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। 450 nits टाइप होने वाले हैं। IPS कोई भी मसला नहीं, क्योंकि 120Hz के साथ आपको एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ आने वाला है। ये फोन IP53 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट भी होने वाला है। इतने सारे फीचर्स इस प्राइस कैटेगरी में आपको पोको प्रोवाइड कर रहा है। प्राइस कैटेगरी की बात करें तो सॉरी, मैंने आपको अभी तक प्राइस नहीं बताई। तो प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इसकी 38,000 पाकिस्तान की मार्केट में प्राइस रखी जाएगी, और इस प्राइस कैटेगरी में ये सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी होने वाले है पाकिस्तान की मार्केट में। फिंगरप्रिंट की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अगर हम इसके कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा में डाउनग्रेड ये किया गया कि पोको X3 पे आपको 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आपको इसका जो मेन कैमरा का 48MP तक आपको प्रोवाइड किया गया है, दूसरा अल्ट्रा वाइड 8MP, मैक्रो और डेप्थ दोनों ही आपको 2 मेगापिक्सल प्रोवाइड किए गए थे। अब मैं यहाँ पे पोको को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें सिर्फ एक ही मैक्रो 5MP तक प्रोवाइड करते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि यार 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ कोई सेंस ही नहीं बनता यार। अगर आप इसके सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 20MP तक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है इस फोन पे। अगर हम इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं पाकिस्तान की मार्केट में, तो आपको मैं कंफर्म बताता चलूँ कि ये 15 या 14 अप्रैल तक इसको पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान की मार्केट में ये एक ही वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान की मार्केट में, जो 6GB 128GB वाला वेरियंट होगा। अगर हम इसके स्टोरेज टाइप की बात करते हैं, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिल जाती है। ये भी स्टोरेज टाइप इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ही अच्छी स्टोरेज टाइप होती है। अगर आगे इस फोन की बात की जाए तो एंड्रॉयड 11 पे ये फोन बेस्ड होगा। MIUI 12 जो इसका पोको वाला सॉफ्टवेयर होगा वो इस फोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके मेजर इंप्रूवमेंट की। मेजर इंप्रूवमेंट ये है कि इस पे आपको जो चिपसेट दिया गया है बहुत ही कमाल चिपसेट इस फोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर हम इसके चिपसेट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको कॉलकॉम की तरफ से न्यूली लॉन्च किया हुआ स्नैपड्रैगन 860 का चिपसेट इस फोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि 7nm आर्किटेक्चर पे भी बेस करता है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये चिपसेट 5G पे बेस नहीं है, ये चिपसेट आपको 4G में देखने को मिलेगा। और इस पे आपको 5160mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये फोन 33W तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। तो ये थे फोन के स्पेसिफिकेशन। यार 38,000 प्राइस कैटेगरी में आपको और क्या चाहिए? 120Hz का रिफ्रेश रेट,
यहाँ पे आपको HDR10 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और मोस्ट इसका जो इम्प्रूवमेंट किया गया है वो इस प्राइस कैटेगरी में आपको स्नैपड्रैगन 860 का चिपसेट इस फोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये चिपसेट बहुत ही इसकी जो परफॉर्मेंस होने वाला है चिपसेट की बहुत ही आपको कमाल देखने को मिलेगी इस फोन में। कैमरा भी मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं 64 मेगापिक्सल वहाँ था तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल दिया गया, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी इस फोन पे। मुझे लगता है पोको ने इस बार इसको गेमर्स को टारगेट किया है, इसलिए आपको कैमरा को डाउनग्रेड करके आपको एक परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं पोको वाले। तो आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।